हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARG एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम गुहान को देखते हैं। गुहान काफ़ी तेज़ी से पावर अप कर रहा होता है। गुहान के आसपास एक अजीब सा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। गुहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, जिसके वजह से गुहान की आंखें एकदम से रेड हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि गुहान फिर से अपने बियॉन्ड बीस्ट वाले फॉर्म को दिखाने वाला है। गुहान की आंखें चमक रही होती है। इस तरीके की एनर्जी को गुहान के अंदर से आता देख लूसिफ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। लूसिफ ने सोचा नहीं था कि गुहान के अंदर इतना पावर मौजूद होगा। लूसिफ गुहान के इस पावर अप को देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। क्या सच में ये एनर्जी सन गोकू के बेटे की है? पर इसका एनर्जी सिग्नेचर तो बिल्कुल ही अलग है। इवन की गॉड किलर के अंदर कोकू और वेजिटा की एनर्जी मौजूद थी, पर ये एनर्जी तो बिल्कुल ही अलग है। दूसरी तरफ गुहान का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। गुहान के हेयर्स एकदम से लंबे होने लग जाते हैं। गुहान का टेल भी बाहर आने लग जाता है। देखते ही देखते गुहान के मसल्स भी एकदम से फूलने लग जाते हैं। गुहान की आंखें जो थोड़े देर पहले तक पूरी तरीके से रेड थी, अब उसके अंदर प्यूपल्स आने लग जाते हैं। गुहान के शरीर के ऊपर एक अजीब सा फर आने लग जाता है। गुहान के पावर अप से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि वो एनर्जी लूसिफ तक भी पहुंच रही होती है। लूसिफ को अभी समझ में आ चुका होता है कि गुहान आखिर किस तरीके के पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो लूसिफ बोलता है, जरा रुको, एनर्जी तो वहाँ से आ रही है। ये एनर्जी तो डीमल राइम से आ रही है। शायद ये वही शख्स है, शायद ये वही है जिसने रेड को मारा था। इसने रेड को रेड के ही डिमोनिक पिस्टल से हरा दिया था। पता नहीं इसने उस पिस्टल को कैसे चलाया, जबकि ये काम सिर्फ एक डीमन ही कर सकता है। आखिर ये बच्चा है क्या? लूसिफ का ये सेंटेंस खत्म होते ही गुहान एकदम से बोलता है कि मैं तैयार हो चुका हूँ। गुहान का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। गुहान बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कि क्रिलिन के मौत का बदला लेने का। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, पर तुम्हें देखकर मुझे ये ज़रूर पता लग चुका है कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो। तुम हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे ना, क्या मैंने सही कहा? पर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, आखिर तुमने क्रिलिन को क्यों मारा? ये बोलते हुए गुहान फिर से चिल्लाने लग जाता है। जैसे ही गुहान चिल्लाता है, गुहान फिर से एक एनर्जी ऑरा से ढक जाता है। इस एनर्जी को देखकर लूसिफ हैरान नहीं होता, बल्कि लूसिफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लूसिफ बोलता है कि इस तरीके की एनर्जी, अब तो मुझे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। तुमने तो किसी तरीके के कार्डिनियल सिन को भी पोजेस नहीं किया है, इसके बावजूद तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। तुम सच में डीमन राइम के लिए ही बने हो बच्चे। लगता है मुझे उसके बदले ही तुम्हें ही चूज करना चाहिए था। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तब तक हम देखते हैं कि गुहान अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना चुका होता है। गुहान बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। गुहान एकदम से उस एनर्जी अटैक को शूट कर देता है लूसिफ के ऊपर। एनर्जी अटैक को अपनी तरफ इतनी तेजी से आता देखने के बावजूद लूसिफ ज़्यादा डरता नहीं है, बल्कि इस अटैक को देखकर लूसिफ बोलता है कि ओ, ये अटैक तो डिस्क वाले अटैक से अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक एकदम से जाकर लूसिफ से टकरा जाता है। जैसे ही वो अटैक लूसिफ से टकराता है, वैसे ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पर गुहान धूल के हटने तक का वेट नहीं करता। गुहान एकदम से एनर्जी अटैक की बौछार कर देता है लूसिफ के ऊपर। गुहान एक के बाद एक एनर्जी अटैक शूट करने लग जाता है लूसिफ के ऊपर। गुहान अंधाधुन अटैक कर रहा होता है लूसिफ के ऊपर। गुहान के इन अटैक्स का इम्पैक्ट ये होता है कि हमें सिर्फ चारों तरफ धूल और धुआं दिखता है और लूसिफ कहीं पर भी नहीं दिखता। अभी शायद गुहान किसी चीज़ को नोटिस करता है और गुहान एकदम से रुक जाता है। गुहान के रुकते ही गुहान एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से आसमान में जाकर अपियर होता है। गुहान के आसमान में अपियर होते ही गुहान तैयार हो जाता है एक और अटैक करने के लिए लूसिफ के ऊपर। गुहान एकदम से अपने हाथ में मशीन को अटैक बना लेता है और देखते ही देखते गुहान इस अटैक को शूट कर देता है लूसिफ के ऊपर। जैसे ही यह अटैक जमीन से टकराता है, वैसे ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है फिर से। गुहान इस अटैक को शूट करने के बाद जमीन के ऊपर लैंड करता है। इतने सारे एनर्जी अटैक शूट करने की वजह से गुहान काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। गुहान काफ़ी मुश्किल से अपना एक आँख भी खुला रख पा रहा होता है। गुहान बोलता है कि जितना पावर मेरे अंदर था और जितना पावर मैं निकाल सकता था उतना मैंने किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इस तरीके की ताकत मौजूद है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर गर्व होगा क्रिलिन। ये सब कुछ तुम्हारे लिए था, ये तुम्हारा बदला था क्रिलिन। तभी गुहान को एक आवाज़ सुनाई देता है।
वो आवाज गुआन से बोलता है कि बदला। इस आवाज को सुनकर गुआन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। गुआन को समझ जाता है कि वो डीमन अभी तक हारा नहीं है। तभी लूसिफ एकदम से गुआन से बोलता है कि प्यारे बच्चे, तुमने उस टकले के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो अंधाधुन अटैक्स, उससे तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारा पहला बीम अटैक लगने से पहले मैं वहां से निकल चुका था बेवकूफ। गुआन लूसिफ को एकदम से हर तरफ ढूंढने लग जाता है। गुआन बोलता है कि आखिर तुम कहां पर हो। तभी एकदम से गुआन के साथ कुछ होता है और गुआन एकदम से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। गुआन लगातार नीचे की तरफ गिर रहा होता है। गुआन बोलता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या किया। तभी गुआन एकदम से जमीन के ऊपर लैंड करता है। गुआन बोलता है कि मेरे पास वक्त नहीं था इससे बचने का। डैड को मेरी जरूरत है, यूनिवर्स को मेरी जरूरत है। तभी गुआन को फिर से वही आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोलती है कि सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे तुम्हारी। आवाज को सुनकर गुआन फिर से हैरान रह जाता है। गुआन बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर नहीं हो सकते। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम लूसिफ को देखते हैं जो कि ज़ेनो के थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ होता है। लूसिफ बोलता है कि स्वागत है तुम्हारा ओमनी किंग के थ्रोन रूम में गुआन। लूसिफ के पीछे एक जाना माना शख्स खड़ा हुआ होता है। अंधेरे की वजह से वो शख्स ठीक से दिख नहीं रहा होता और उसके हाथ में क्रिलिन की कटी फटी बॉडी होती है, जिस चीज को गुआन भी देख लेता है। गुआन बोलता है कि क्रिलिन, चाहे तुम जो कोई भी हो उसे नीचे रखो, फिर तुम दोनों हो कौन। तभी लूसिफ बोलता है कि क्या तुम हमें देख नहीं पा रहे हो, लगता है मुझे यहाँ पर लाइट लगाने होंगे। आखिर तुम अपने फादर के मास्टर को क्यों नहीं पहचान पा रहे हो। इस बात को सुनकर गुआन और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। गुआन बोलता है कि मेरे डैड के मास्टर, आखिर तुम मुझसे किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुमने मास्टर रोशी के साथ भी वही किया। तभी इस बात को सुनकर लूसिफ बोलता है कि ये बच्चा भी अपने फादर की तरह बेवकूफ है, इस बच्चे के कंफ्यूजन को दूर करो और जल्दी से बाहर आओ गुलाम। तभी इस बात को सुनकर वो शख्स बोलता है कि जैसे आपकी मर्जी। शख्स के ऐसा बोलते ही वो शख्स एकदम से अंधेरे से बाहर आ जाता है और उस शख्स के अंधेरे से बाहर आते ही ये रिवील हो जाता है कि वो शख्स होता है वीस। वीस बोलता है कि शायद तुम्हारे फादर के बहुत सारे मास्टर्स थे इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए, पर ये मैं हूँ वीस। वीस को अपने सामने देखकर गुआन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गुआन बोलता है कि नहीं, कैसे, सच नहीं हो सकता, ये शायद कोई एक बुरा सपना है। आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है वीस, आखिर तुमने क्रिलिन के बॉडी को इस तरीके से क्यों पकड़ रखा है। तभी इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि क्या, आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, वो आर्मर, वो एनर्जी, आखिर कब तुम इतने ताकतवर बन गए टाय। अगर ये एनर्जी तुम्हारे पास पहले होता जब ज़ेनो मौजूद था तब तो मैं। तभी डाई एकदम से बोलता है कि तब तो तुम मारे जाते वेजिटो। एक सच्चाई है कि मैं अब पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, पर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वेजिटो। अब से मैं तुम्हारी तरफ हूँ और तुम्हारे साथ मिलके मैं इन डिमोनिक क्रीचर्स को हराऊंगा, चाहे वो डिमोनिक क्रीचर्स कोई भी क्यों ना हो, मेरी मदर ही क्यों ना हो। नहीं, मेरा मतलब है मेरी दुश्मन रानी। इस वक्त वेजिटो मैंने जिस पावर को हासिल किया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस पावर लेवल तक पहुंच पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रेनिंग करके भी कभी इस पावर लेवल को हासिल कर पाता, पर मैं इतना जरूर जानता था कि इस तरीके का पावर लेवल जरूर एग्जिस्ट करता है। शायद ये वही पावर लेवल है जहाँ पर हायर लेवल के एंजल्स मौजूद है, जैसे कि एकोबेल एंड कैस्टी। इस बात को फील कर सकता हूँ कि वो लोग भी शायद इस वक्त हमें देख रहे है। मैं तुम्हारे तरफ से होकर लड़ना चाहता हूँ, पर मैं अपने पावर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता हूँ वेजिटो। तभी इस बात को सुनकर मदर्स ऑफ ऑल एंजल को एकदम से गुस्सा आ जाता है डाई के ऊपर। वो बोलती है कि क्या, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रानी बोलकर पुकारने की। आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे अंदर और एकोबेल कैस्टी के अंदर सिमिलैरिटीज है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो डाई, तुम तो सही तरीके से मर भी नहीं सकते। डाई के मदर के ऐसा बोलते ही डाई की मदर एकदम से एक एनर्जी अटैक बना लेती है अपने हाथ में। डाई की मदर बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ चुके हो, अब तुम्हें नीचे गिराने का वक्त आ चुका है। डाई की मदर के ऐसा बोलते ही डाई की मदर एकदम से एक एनर्जी अटैक शूट कर देती है डाई के ऊपर। इतने पावरफुल अटैक को अपने तरफ आता देखने के बावजूद डाई वहां से हिलता तक नहीं है। जैसे ही वो अटैक डाई के नजदीक पहुंचता है वैसे ही वो अटैक एकदम से हिट करता है डाई को। वो अटैक डाई के चिन को हिट किया हुआ होता है। जैसे ही वो अटैक डाई के चिन को हिट करता है वैसे ही एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है उस जगह पर। इस अटैक को डाई को लगता देख वेजिटो भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। वेजिटो बोलता है कि ये अटैक जरूर डाई को लगा होगा,
दूसरी तरफ मदर्स ऑफ ऑल एंजल्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने हाथ में एक और एनर्जी अटैक बना लेती है। वो बोलती है कि क्या तुमने देखा गॉड किलर, टैग की अटैक लगते ही इसकी बोलती बंद हो गई। हमेशा से ही मेरे लिए एक फेलियर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी और बकवास बातें और वो बेकार सा आर्मर, देखो मैंने इसे कितनी आसानी से रोक दिया। तुम्हारी कहानी बिल्कुल सेम है, हमेशा की तरह डाई। इस बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि जरा रुको भी, मैंने ये कहा था कि ये अटैक डाई को चोट पहुंचा सकता है, पर मैंने ये नहीं कहा था कि ये अटैक काफी होगा उसे हराने के लिए। इसके बाद हम डाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि डाई के आर्मर से धुआं निकल रहा होता है और इसके दूसरे ही पल डाई अपना चेहरा नीचे की तरफ करता है। डाई को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता। डाई बोलता है कि रानी, अब से तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मौत हूँ। अपने अटैक के जीरो इम्पैक्ट को देखकर डाई की मदर काफी ज्यादा डर जाती है। बोलती है कि तुम इस अटैक से सर्वाइव नहीं कर सकते हो डाई, लूसिफ नहीं हो। के मदर का ये सेंटेंस खत्म होते हम देखते हैं कि डाई की मदर के हाथ में जो एनर्जी अटैक होता है वो एकदम से छोटा होने लग जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ होता, डाई की मदर की आंखें भी एकदम से बाहर आ जाती है और डाई की मदर के चेहरे का एक्सप्रेशन भी एकदम से बदल जाता है। इस चीज को देखकर वेजिटो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा तेज हो चुका है, मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से। हम देखते हैं कि डाई ने एक जबरदस्त पंच मार दिया होता है मदर्स ऑफ ऑल एंजल को। पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि रानी की तो हालत ही खराब हो जाती है। पंच का इम्पैक्ट सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं होता, ये पंच इतना पावरफुल होता है कि रानी काफी दूर जाकर गिरती है। वेजिटो डाई के इस न्यू पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि वाकई में तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो डाई, ये काफी अच्छा मूव था। लगता है अब मैं इस काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ, तो मुझे निराश मत करना, शिकार तुम्हारा है मिस्टर डाई शिंकन। ये बोलते हुए डाई और वेजिटो अपना फिस्ट आपस में टकरा रहे होते हैं। पर दूसरी तरफ हम डाई की मदर रानी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। वो बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई डाई, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मदर को इस तरीके से ट्रीट करने की। शायद यही होता है जब किसी बच्चे का बाप नहीं होता, पर अब मुझे तुम्हारा बाप बन के दिखाना होगा, अब आओ और मेरा मुकाबला करो डाई। ये बोलते हुए डाई की मदर काफी तेजी से डाई की तरफ आ रही होती है। वहीं पर दूसरी तरफ डाई बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। डाई बोलता है कि मदर, मेरी पूरी जिंदगी में तुमने बस मुझे नीची निगाहों से देखा है और मुझे हमेशा कम समझा है। पूरी जिंदगी तुमने मेरे डाउनफॉल की दुआ की है और मुझे पता लग चुका है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मैं कोबेल का बेटा हूँ। बाओ भी रानी, मुझे यह दिखाने का मौका दो कि आखिर एंजेलिक हेरिटेज क्या कर सकता है और तुम्हें क्यों एंजेलिक हेरिटेज को छोड़ना नहीं चाहिए था। डाई के ऐसा बोलते ही डाई अपने फोरहेड के बीच फिंगर रख देता है। डाई के ऐसा करते ही डाई के विंग्स एकदम से खुल जाते हैं। डाई बोलते हैं कि अब मरो डीमन। डाई ने ऐसा बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि डाई अपने विंग से फैदर वाला अटैक कर रहा होता है अपने ही मदर के ऊपर। ये अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर फिर भी ये अटैक रानी को नहीं रोक पा रहे होते। रानी भी इन अटैक्स का जम के मुकाबला कर रही होती है। बेटे की लड़ाई को वेजिटो दूर से देखकर एंजॉय कर रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि अब ये अच्छा था, ये वही चीज है जो कि मैं देखना चाहता था डाई की तरफ से। जिस तरीके के सिचुएशन में मैं अभी हूँ, मैं उस डरपोक को काफी जल्दी हरा दूंगा और मैं एक तीर से दो शिकार कर लूंगा। जीटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम डाई की मदर रानी को देखते हैं। रानी बोलती है कि अब यहाँ आओ भी बेवकूफ बच्चे। रानी अपना हाथ डाई की तरफ बढ़ाती है और डाई को ग्रैब करने की कोशिश करती है, पर रानी का ये अटैक डाई डॉच कर देता है। डाई एकदम से रानी के हाथ को पकड़ लेता है। डाई बोलता है कि अब बहुत हो चुका है बेवकूफ औरत। डाई के ऐसा बोलते ही डाई एकदम से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है। डाई के ऐसा बोलते ही डाई बोलता है कि अब तुम्हारी जलने की बारी आ चुकी है, जो कुछ भी तुमने किया है अब तक। रानी देखती है कि उसके आसपास एकदम से डाई के चेस्ट पे जो सिंबल था उस तरीके की चीजें आने लग जाती है। इस चीज को देखकर रानी बोलती है कि आखिर तुमने ये कहाँ से सीखा बच्चे। डाई ने अभी तक रानी के हाथ को नहीं छोड़ा होता। रानी बोलती है कि डाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी, मैं तुमसे वादा करती। रानी का ये सेंटेंस खत्म होने से पहले ही डाई एकदम से अपने अटैक शूट कर देता है रानी के ऊपर। अटैक्स के अंदर भी डिवाइन स्माइट की एनर्जी होती है, क्योंकि ये डाई की मदर के अंदर डिमोनिक एनर्जी है, जिसके वजह से ये अटैक काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा सकते हैं रानी को। और इसके दूसरे पेजेस में हमें बिल्कुल यही देखने मिलता है। जैसे ये अटैक्स रानी को लगते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि रानी के दो आर्म्स भी गायब हो जाते हैं। रानी के सिर का आधा हिस्सा भी गायब हो चुका होता है, इसके वजह से रानी काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है। रानी बोलती है कि कैसे डाई।
आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी अपने ही मदर के ऊपर। क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। इन सब बातों का डाई के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। डाई बोलता है कि तुम्हारे झूठ यहाँ पर काम नहीं करने वाले है। मेरी मदर काफ़ी टाइम पहले ही मारी जा चुकी है, तो ये चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। डाई ने इतना बोला ही होता है कि तभी एकदम से रानी हंसने लग जाती है। रानी बोलती है कि ओ तो ऐसी बात है, तुम तो हमेशा से ही मेरे एकलौते बेटे से काफ़ी ज़्यादा चलते थे। चाहे तुम आज जो कुछ भी क्यों ना कर लो, चाहे तुम एक लाचार औरत के ऊपर हमला ही क्यों ना कर दो, तुम कभी भी उसे नहीं हरा सकते और उस जितना काबिल नहीं बन सकते हो। क्या तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों कहा डाई? डाई इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है, पर डाई कुछ भी नहीं बोलता। भी डाई की मदर बोलती है कि क्यों के लिए ये सिर्फ ख़त्म तुम्हारे लिए हुआ है डाई। डाई के मदर के ऐसा बोलते ही डाई की मदर एकदम से एक अटैक शूट करने वाली होती है। असल डाई के सामने जो खड़ी हुई है वो है रानी का क्लोन, और असली रानी डाई के पीछे होती है, जो कि एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक शूट कर देती है डाई के ऊपर। जैसे ये एनर्जी अटैक डाई को लगता है वैसे ही एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। रानी को लग रहा होता है कि उसने डाई को हरा दिया है। डाई की मदर बोलती है कि तुम्हें एक मर्द की तरह लड़ता देख मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, पर मुझे दुख इस बात का है कि तुम ये चीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं रख पाए। जैसे ही धूल और धुआं हटने लगता है वैसे ही डाई की मदर किसी चीज़ को नोटिस करती है। वो बोलती है कि ज़रा रुको। धूल और धुएं के कम होते ही डाई के मदर को डाई दिखता है धूल और धुएं के बीच। डाई अभी तक बिल्कुल सही सलामत उसी जगह पर खड़ा हुआ होता है। डाई बोलता है कि क्या तुम्हारा हो चुका है रानी? डाई को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा होता। इस चीज़ को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम तो काफ़ी अच्छा दिख रहे हो डाई, इसे देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाई एकदम से अपने मदर के हाथ को ग्रैब कर लेता है। इस चीज़ को डाई ने इतनी तेज़ी से किया हुआ होता है कि रानी को तो संभलने का मौका नहीं मिलता। डाई एकदम से अपने मदर को एक हाथ से उठाने लग जाता है, जिस चीज़ को देखकर रानी बोलती है कि ज़रा रुको, जल्दी से मुझे छोड़ दो डाई, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब में डाई बोलता है कि मैं बिल्कुल तुम्हें छोड़ दूंगा मदर, पर ये आखिरी बार ही है जब मैंने तुम्हें पकड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम एक दिन ज़रूर समझ पाओगी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। अभी डाई एकदम से बोलता है कि ऑल माइटी स्माइट। डाई के ऐसा बोलते ही वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि डाई क्या तुम सीरियस हो? आखिर उसने स्माइट का इस्तेमाल कैसे कर दिया जबकि उसका आर्म तो आसमान की तरफ भी नहीं है? अभी हम देखते हैं कि आसमान से एक लाइट आकर गिरती है डाई और उसकी मदर के ऊपर। डाई और उसकी मदर उस लाइट एनर्जी से पूरी तरीके से घिर जाते हैं, और देखते ही देखते डाई और उसकी मदर इस लाइट के बीच कई खो जाते हैं। जिस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलता है कि बेवकूफ़ डाई, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।